डिक्टेटरशिप वाला तड़का लगाकर उस वीडियो को मोदी के किन किन दुश्मनों ने कहां कहां फैलाया। जब से ध्रुव राठी का सेकंड वीडियो आया डिक्टेटरशिप पर, यकीन मानिए जब से लेकर तो अभी तक गोदी मीडिया की इतनी जली पड़ी है कि गोदी मीडिया क्या बोलेंगे, ध्रुव राठी के नाम से स्पेशल एक रिपोर्ट बना रही है और नेशनल टीवी पे चला रही है कि इसने कैसा वीडियो बनाया है मोदी जी के खिलाफ है। मतलब अलग ही लेवल का माहौल चालू है। मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूँ इंडिया टीवी की, जहाँ पे किस तरह से ध्रुव राठी के ये वीडियो को लेकर रिपोर्ट बनाई गई और किस तरह से ध्रुव राठी को बोला जा रहा है। आप सबसे पहले छोटी सी वीडियो देख लीजिए। डिक्टेटरशिप वाला तड़का लगाकर उस वीडियो को मोदी के किन किन दुश्मनों ने कहां कहां फैलाया। राहुल ने कहा 24 में मोदी आ गए तो देश में आग लग जाएगी। डिक्टेटर वाला वीडियो बनाने वाले ने भी यही घुमाया। तेजस्वी ने कहा देश में आपातकाल जैसे हालात हैं, जिसने डिक्टेटर वाला वीडियो बनाया उसने भी यही फैलाया। अखिलेश ने कहा मोदी ने साजिशन केजरीवाल को जेल में डाला। मोदी के खिलाफ डिक्टेटर वाली दुकान खोलकर बैठे शख्स ने शब्दशः यही वायरल कराया। तो क्या सच में हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है या फिर ये सिर्फ मोदी विरोधी इकोसिस्टम की प्रोपेगेंडा वाली स्क्रिप्ट है, ये हम सबूतों के साथ आपको दिखाते हैं। जो शख्स मोदी को डिक्टेटर बताता है वो 24 में किसको जिताना चाहता है, वो किसके लिए किसके इशारों पर काम करता है, किस किस तरह का दुष्प्रचार करता है और उसके दुष्प्रचार को मोदी के सियासी दुश्मन कैसे प्रमोट करते हैं, सब दिखाते हैं। डिक्टेटर वाला ये नरेशन विदेश में बैठा एक शख्स देता है। कभी मोदी की आंखें लाल कर डरा हुआ डिक्टेटर, कभी मोदी की आंखें सफेद कर द डिक्टेटर वाली मनगढ़ंत स्क्रिप्ट लिखता है। तो विदेश में बैठकर मोदी के खिलाफ डिक्टेटरशिप वाले यूट्यूब पर वीडियो बनाता है और हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मनों की टाइमलाइन पर छा जाता है। इस शख्स ने द डिक्टेटर वाला पहला वीडियो बनाया, 2,31,64,119 व्यूज पाए। 21 लाख मोदी विरोधियों ने इस वीडियो पर लाइक का बटन दबाया। अब ये शख्स डरा हुआ डिक्टेटर के नाम से एक नया वीडियो लेकर आया है जिसे 90 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जिसे 11 लाख से ज्यादा मोदी विरोधियों ने लाइक किया है। और इसके वीडियो को लाइक करने वाले शेयर करने वाले वही लोग हैं जो दिन रात मोदी को तानाशाह कहते हैं। मोदी के लिए डिक्टेटर वाली थ्योरी प्रमोट करने वाली वही कांग्रेस है जो मोदी से लड़ नहीं सकती, इसलिए डिक्टेटर रटती रहती है। कितने सबूत चाहिए काउंट कर लीजिए। कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल पर तानाशाह छत्तीसगढ़ कांग्रेस बोले तानाशाह। कांग्रेस की नेताओं की टाइमलाइन पर भी डिक्टेटर वाला वही वीडियो। कांग्रेस के यूट्यूब अकाउंट पर भी तानाशाह। कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर भी तानाशाह। मोदी को डिक्टेटर बताने वाले कुछ और कैप्शन पढ़िए, सब कांग्रेस ने दिए हैं। नंबर वन कायर तानाशाह। तो जैसा कि आपने छोटी सी वीडियो देखी लेंगे तो सिर्फ एक वीडियो है और ऐसे कई सारे ट्यूट से कई सारी वीडियो से कई सारे नेशनल टीवी है जो ध्रुव राठी के एक वीडियो से इतना घबराए हुए ना कि बस ध्रुव राठी को एक्सपोज करने के पीछे पड़े। मतलब एक बंदे ने सबके नाक में दम ला लिया और जितनी भी गोदी मीडिया ना वो थर थर कर रही है, भाई हम तो इतनी सारी मेहनत कर रहे थे और हमारी मेहनत सारी अकारत कर दे रहा एक आदमी ध्रुव राठी। आपने सिर्फ एक वीडियो देखा, ऐसे कई सारे हजारों वीडियो से कई सारे हजारों ट्वीट किए जा रहे हैं ध्रुव राठी के खिलाफ। मतलब एक बंदे ने सबको हिला के रख दिया, सबकी वाट लगा दी। अपने आप में बड़ी बात होती है खुद के दम पर इतनी हिम्मत जताना। जो टाइम में आप किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते वो बंदा आके खुल्लम खुल्ला एकदम फेस टू फेस ये सारी चीजें बोल रहा, अपने में बड़ी बात होती है। लेकिन उसके लोग बहुत ज्यादा खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसे में हमारे भारत की जनता ये वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रही है। एक एक इंसान का सारा वीडियो को शेयर कर रहा, लोगों को बता रहा है देखो ये सारी चीजें इंडिया में चली, हमें पता नहीं था। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है आप भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों को पता चले कि गोदी मीडिया किस तरह से अब ध्रुव राठी के पीछे लग चुकी है और किस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाएं ताकि लोगों तक ये वाली इंफॉर्मेशन पहुंचे।